जो कि महीना दिन में समझिए आज 25 तारीख हो गया, 5-6 दिन यहीं आए हम लोग ड्यूटी करने। बाकी सब तो राजा छुट्टी में, तबीयत खराब है तो नहीं आ पाए, और इसमें भी आए हैं तो पड़ गए हैं आज ऐसा में लैकड़ा में खाली। खाली देखिए बड़ा बड़ा इधर 25-25 किलो की टाका एक है, हमको बांधने में भी पूरा हालत खराब हो जाएगा। अभी तो लेंच भी नहीं हुआ है, तब तक दोनों ही पाँव पर दर्द करने लगा। आज कितने दिनों के बाद आया ना ड्यूटी करने, जिसके हो जाती हम लोग 400 के लिए 12 घंटा मरते हैं। इतना गर्मी में पसीना से पूरा गीला हो जाता है कपड़ा, और कंपनी का स्टाफ सब देखिए उधर देख रहे हैं एसी लगा हुआ है, एसी लगा कर लोग काम करते हैं, अपने एसी में रहते हैं। बाकी मजदूर का कोई वैल्यू नहीं है कहीं भी, मरो जैसे ही मरो 300-400 रुपए के लिए बस। यहाँ एक पंखा भी नहीं लगा, कहीं भी पंखा नहीं है, देखिए कहीं भी पंखा की नज़र नहीं आ रहा, एक फैन भी नहीं लगा हुआ। मजबूरी इतना रहता है मजदूर के पास कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं कितना कठिन से लोग अपना पेट पालते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि हम लोग भी कुछ आगे बढ़े, छोटा छोटा बच्चा सब कोई देखने वाला है नहीं, अब क्या करें, मजबूरी है, इसकी वजह से रूम में बंद करके आना पड़ता है। अब इधर उधर भी जाएगा कोई मारेगा, कहीं गिर जाएगा, पैर हाथ टूट जाएगा, कहीं कोई लेकर चला जाएगा, यह भी प्रॉब्लम है ना। सबसे मेन बात यही है, पहले से हम लोग लुधियाना में तो एक थोड़ा सा मतलब रूम में से निकल गए तो एक पता ना कोई आदमी दूसरे जगह, लेकिन हम लोग पूरे मतलब आधी रात तक लोग सबको ढूंढते रह गए। तो जाके थाना में कोई उसको अच्छे आदमी मिल गया था, तो थाना में जाकर उसको रख दिया था, तो हम लोग को पता चला तो जाकर ले आए। पूरे आधी रात तक लोग ढूंढते रह गए थे, इसकी वजह से हम लोग बंद करके जाते हैं कि चलिए थोड़ा सा दिक्कत सही रहेगा उसमें। और रूम इसीलिए लिए हैं, ज़्यादा महंगा देते हैं, 4,500 रेंट देते हैं उसी सब के लिए कि रहेगा उसमें, खाएगा पिएगा अपना आराम से, और उसी में अपना जो भी है टॉयलेट वॉयलेट जाएगा नहाएगा। इधर उधर रहते हैं सिंगल रूम में तो वो सब बोलता है अगल बगल के रूम वाले कि इस तरह तुम्हारा बच्चा कर दिया, उस तरह कर दिया, इधर लेटरिन कर दिया, उधर करता कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग अफवाह उठाता है बच्चे के लिए। शाम को ड्यूटी करके जाए तो दो बात सुने, इसलिए हम लोग दूसरे रूम में मतलब कि रखते बंद करके आते हैं, मेन प्रॉब्लम है। अब आप लोग को कितना बताए क्या बताए।